हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 लीग के एक और महामुकाबला मैच भी जो खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। देखो भाई लोग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो 110% यहां से प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि यहां पे जो भी बंदे अच्छे से वॉच करके जाते हैं सभी लोग अच्छा प्रॉफिट करके जाते हैं, क्योंकि आपको यहां पर विनिंग टीम दी जाती है। ठीक है भाई लोग, यहां पर आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। हम आपको बताते हैं भाई कि आपको अपनी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी को करना है, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को आज के मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं भाई लोग कि आपको अपना टीम कैसे बनाना है, किस खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर चलना है, कौन से खिलाड़ी होंगे जिसको कैप्टन वाइस कैप्टन किया जा सकता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कॉम्बिनेशन कैसे करना है। हम आपको बताते हैं भाई लोग यहाँ पर कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म तो करता है, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते, इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा भाई, और जिसके बारे में कोई नहीं सोचेगा लेकर के चलने के लिए, लेकिन आपका खिलाड़ी अगर आप लेते हैं उसे तो आपका टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाता है। ठीक है भाई लोग, देखो भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको विनिंग टीम दी जाती है और जितने भी अपडेट होती है सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, और साथ साथ पिच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो बैट्समैन होते हैं, नया बैट्समैन आते हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और सारा कुछ आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है, विनिंग टीम दी जाती है। तो जितने भी बंदे यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं सभी बंदे अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विनिंग टीम दी जाती है। ठीक है भाई लोग, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आकर जुड़ जाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि T20 मैच खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेज पाकिस्तान के बीच में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई कि आज का मैच ये कहाँ पर खेला जाएगा और पिच का बिहेव किसके फेवर में जाता है, बल्लेबाज के फेवर में या फिर बॉलर के फेवर में। तो देखो भाई, जो मैच खेला जाएगा ये मैच आपको खेला जाएगा डबलिन में। ठीक है भाई, डबलिन में कैस्टल एवेन्यू डेब्यू मैच खेला जाएगा। अब यहाँ का पिच देखेंगे तो आपको बैलेंस पिच, मतलब बैलेंस ट्रैक नज़र आ रहा है, और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है, मतलब ऑलराउंडर को आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और बॉलर जो होंगे, मतलब जो फास्टर स्लोअर बॉलर होंगे आज के मैच में, उनको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन स्विंग और आउट स्विंग आपको दोनों इस पिच पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई लोग, चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम में आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी को कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करके जाएंगे। ये अगर आप अपने टीम में अगर सही से कर लिए तो आपका टीम जो है वो गजब का बनेगा और आप अच्छा यहां से प्रॉफिट करके जाएंगे। तो देखो भाई, यहां पे टोटल हम आपको 4 खिलाड़ी दे रहे हैं, आप कैसे यूज करना है वो देख लो। तो आपको क्या करना है, यहां पे देख लो, टीम वन में आपको जाना है मोहम्मद रिजवान के साथ और ए बलबरिन के साथ, इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिएगा टीम वन में। ठीक है भाई, ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए टीम वन में परफेक्ट सजेस्ट रहने वाले हैं, तो इसे अपने टीम में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। टीम टू में आपको क्या करना है भाई, एम अदर को और शाहीन अफरीदी को, इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, क्योंकि ये आज के मैच के लिए आपके लिए परफेक्ट सजेस्ट होने वाले हैं। अब ये जो हमने आपको दिया है 4 खिलाड़ी, इस अगर इसका रिकॉर्ड चेक करोगे तो भाई तो आपको पता चलेगा कि इनका हाली फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, और इसे अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन पेश कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है, और एम अदर तो आपको बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों करते हुए नजर आ जाएंगे भाई, क्योंकि इनका जो बॉलिंग का अंदाज है वो भी अलग है, और यहाँ पर इन स्विंग आउट स्विंग दोनों मिलेंगे, और बल्लेबाजी अगर इनको चांस मिल जाए तो बल्लेबाजी में भी आपको ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर शाहीन अफरीदी को तो इस अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं, 2 से 3 विकेट आज के मैच में निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं सोचा होगा भाई, लेकिन आप उसे अपनी टीम में लेकर चलेंगे तो आपका टीम जो है वो बहुत गजब का बनेगा, क्योंकि इन सब खिलाड़ी पर बहुत कम लोग सोचेंगे, लेकिन आप इसे अपने टीम में लेकर चलिएगा तो आपका टीम जो है वो बहुत खतरनाक बनेगा। तो यहां पर लॉजिकली हम आपको कुछ ऐसे ही खिलाड़ी देने वाले हैं जिसको अपने टीम में जरूर से जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो भाई, यहां पर टोटल हम आपको 5 खिलाड़ी दे रहे हैं, अब ये 5 खिलाड़ी कैसे यूज करना है वो देख लो। आपको क्या करना है, टीम वन में एल टकोर को, पी स्टर्लिंग को और आई अहमद को, इसे अपने टीम में एज अ पंटर उठाना है भाई आज के मैच में, क्योंकि ये जो खिलाड़ी होंगे आज के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं एज अ पंटर, यही पंटर खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं। ठीक है भाई, अब आपको दूसरे टीम में क्या करना है ना भाई, आपको जाना है जी डोकरेल के साथ और जी डेली के साथ, इसे अपने टीम में एज अ पंटर लेना है, ये पंटर खिलाड़ी आज के मैच में ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं, 110% आप इसे अपनी टीम में लेकर के चलिएगा। अब भाई यहां पर 5 खिलाड़ी जो दिया हमने, इसमें से आप चाहे तो एक को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 को भैया अपने टीम में जरूर से जरूर इंक्लूड करना, या अपने टीम 1 में या टीम 2 में जरूर इंक्लूड करना। ठीक है भाई लोग, तो इस तरह से आपको करना है।
चलिए अब बात कर ले कि अब आपको टीम कैसे बनाना है और किस खिलाड़ी को अपने टीम में लेना है और किसे ड्रॉप करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 6-5 का कम्बिनेशन बना के रखा हुआ आज के मैच में, जिसमें से आप देखेंगे विकेट कीपर के तौर पर हमने 1 खिलाड़ी यूज किया जो कि मोहम्मद रिजवान होने वाले हैं। बैटर में हमने आज के मैच में 4 बैटर यूज किया है, जी डोकरेल, बाबर आजम, ए बलबेरन, एच टेक्कर मेरी टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर 3 ऑलराउंडर यूज किया है, आई वसीम, एम अदेर और सी कैंपर मेरी टीम में होने वाले हैं। बॉलर में हमने यहाँ पर 3 बॉलर इस्तेमाल किया है, एम सी काटली को, साइन अफरीदी को और एन शाह को। यहाँ पर हम कुछ खिलाड़ी को इंक्लूड करेंगे ड्रॉप करके, तो वो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, और दूसरे टीम में जो भी अपडेट करेंगे वो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, ठीक है भाई, लाने के समय में। तो लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आ जाइए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।